हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, जबकि डीसीए में जो आपकी बुक है इंटरनेट ई कॉमर्स है। ओके, तो मैं आपको इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग या ई कॉमर्स यूनिट नंबर फर्स्ट में आपकी एक-एक क्लास लिया हूं और हर क्लास की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सब हर प्रकार की वीडियो में अनेक प्रकार के क्वेश्चन बताया हूं और हर क्वेश्चन का जो यूनिक कॉन्सेप्ट दिया हूं वो आपको बहुत पसंद आएगा, तो कृपया करके उन वीडियो को देख लें। अब यहां पर एक क्वेश्चन और है इसी यूनिट में कि HTTP और HTTPS पर टिप्पणी लिखिए। किसमें? HTTP और HTTPS पर टिप्पणी लिखिए। तो यहां से अपना आता है, हमारे ये दोनों क्या कहलाते हैं, HTTP और HTTPS। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका ये क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। जबकि इसका भी फुल फॉर्म वही होता है, अंतर थोड़ा सा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और यहां पर प्रोटोकॉल, एस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर सिक्वेयर, एस का मतलब हो जाएगा सिक्वेयर। बहुत अच्छे से देखना, एक एक चीज आपको इन दोनों में एकदम क्लियर हो जाएगी। ये दोनों जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल काय के लिए यूज होते हैं, किसी भी प्रकार की वेबसाइट को ओपन करने के लिए। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे HTTP कहते हैं, जबकि जो HTTPS होता है ये वेबसाइट हमारी सिक्योर कहलाती है। क्या कहलाती है? सिक्योर मतलब आप इसमें जो डेटा अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपका डेटा किसी भी प्रकार का लीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे बैंक, जो बैंक की शाखा होती है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसमें HTTPS होता है। यदि आप इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, और जो हमारा HTTP होता है ये भी इसी प्रकार बात प्रोटोकॉल इसी भांति काम करता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, इसमें फुल सिक्योरिटी होती है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये हुआ। अब जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, विश्व की प्रत्येक वेब पेज को या विश्व की प्रत्येक वेबसाइट को ओपन करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का। और हम किसी भी वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज में जब जाते हैं तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट के माध्यम से मल्टीमीडिया मैसेज या मल्टीमीडिया फाइल को सेंड करना चाहते हैं। अब बोलोगे सर मल्टीमीडिया समझ में नहीं, ये क्या है? देखो यहाँ पर मल्टी और दूसरा है मीडिया, कितने वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्डों से, मल्टी और मीडिया। जहां मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक, और मीडिया का मतलब क्या होता है, साधन। अर्थात जहां पर एक साधन, जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है ना, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। और मल्टीमीडिया जैसे हमारे टेक्स्ट, इमेज, इसी में ऑडियो, इसी में वीडियो, ओके, इसी में साउंड, इसी में हमारा एनिमेशन भी आ जाएगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, मल्टीमीडिया। तो जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, हम किसी भी प्रकार की मल्टीमीडिया फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में ट्रांसफर या भेज सकते हैं या उस पेज में जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको जब भी वेबसाइट की बात की जाए तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, HTTP प्रोटोकॉल का। इसमें क्या होता है, यदि आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर है कि आप किसका यूज कर रहे हैं, वेबसाइट को चला रहे हैं। किसको? वेबसाइट को चला रहे हैं। अब यदि हम वेबसाइट को चला रहे हैं तो इसमें दो चीजें होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो वो इंसान होगा जो वेबसाइट को चला रहा है और एक वो होगा जो वेबसाइट का रिप्लाई कर रहा है। तो जो इंसान वेबसाइट को चला रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो इंसान वेबसाइट को चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्या बोलते हैं? क्लाइंट। जैसे मैं यदि कोई गूगल में वेबसाइट सर्च कर रहा तो मैं क्लाइंट हूं,
आप चला रहे हो, आप क्लाइंट हो, ठीक है ना। और उसमें जो आपको रिप्लाई मिलता है या रिस्पॉन्स मिलता है वो कहां से मिलता है, वो मिलता है हमको सर्वर से। कहां से मिलता है, सर्वर से। मतलब कि क्लाइंट हमेशा सर्वर से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। ध्यान रखना, क्लाइंट हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। फिर सर्वर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उसको बहुत अच्छे से रीड करता है, और रीड करने के बाद सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, क्लाइंट को करता है रिस्पॉन्स, क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर इस रिक्वेस्ट को पढ़कर क्लाइंट को क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। और इस पूरी क्रिया विधि को क्या कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो बस इनमें इतना ही कॉन्सेप्ट था, और मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर आप जितना बड़ा आंसर लिखना चाहते हो उतना बड़ा आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।